उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में खाकी का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। अपराध कर जिले में दहशत फैलाने वाले अपराधी अब जीवन की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसा एक मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला राय में देखने को मिला। दो सगे भाइयों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा को शपथ पत्र देकर अपराध न करने की कसम खाकर साधारण जीवन जीने का वादा किया है। आपको बता दें कि जनपद शामली में पिछले कई सालों से अपराधियों का बोलबाला रहा है। अपराधियों के खौफ से दहशत की जिंदगी जीने वाले नागरिक अब सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। शामली पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा द्वारा किए गए ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों के दिलों में खौफ नजर आ रहा है। अपने खौफ से नागरिकों का जीना आराम करने वाले अपराधी अब खौफ की जिंदगी जी रहे हैं और नागरिक एसपी शामली डॉक्टर अजयपाल शर्मा का आभार प्रकट कर रहे हैं। कैराना क्षेत्र के गाँव मोहम्मदपुर राय निवासी दो सगे भाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा के कार्यालय पहुँचे और शपथ पत्र देकर जीवन में कभी भी अपराध न करने का वादा किया। एसपी को दिए गए शपथ पत्र में सलीम उर्फ बाबा वर्षाद ने बताया कि उनके खिलाफ कैराना व अन्य स्थानों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वे दोनों एक माह पूर्व ही जेल से छूटकर आए हैं और भविष्य में साधारण नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अब तक किए गए असामाजिक कार्यों के लिए क्षमा करने की गुहार लगाई है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। नाम है इरशाद। क्या करते थे आप? मैं अपराध निकलना चाहता हूँ और भविष्य में तौबा करता हूँ। ये अच्छा काम करूंगा और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। कौन से गांव का? गांव मोहम्मदपुर राई। पहले क्या करते थे? पहले अपराध करते थे। अब अपराध छोड़ रहे हो? अब अपराध छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपने किसी अधिकारी को मिले? हाँ, हमने SSP साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हम भविष्य में कोई गलत काम नहीं करेंगे और अपना जीवन एक अच्छा अपने बच्चों में रहकर मेहनत पूरी करेंगे और परिवार में ठीक ठाक रहेंगे।